इसके बाद 6 अक्टूबर को एम्स के विशेषज्ञ भी इलाज में शामिल किए गए। 3 नवंबर को जयललिता पूरी तरह स्वस्थ बताई गई अपोलो अस्पताल की तरफ से, लेकिन इसके बाद, इसके 10 दिनों के बाद जयललिता की ओर से एक चिट्ठी भी सामने आई जिसमें जल्द काम करने की चाहत जताई गई। 19 नवंबर को आईसीयू से बाहर भी निकाली गई, जनरल वार्ड में इन्हें शिफ्ट किया गया और 4 दिसंबर को यानी रविवार को यह भी खबर आई कि जल्द ही घर लौटेंगी और खासतौर से पार्टी की ओर से, AIADMK की ओर से कहा गया कि जल्द ही वो घर लौटेंगी। लेकिन उसी दिन रविवार के दिन ही जयललिता को दिल का दौरा पड़ा और 5 दिसंबर को उनकी हालत बेहद गंभीर हो गई। यानी सोमवार को AIADMK हेडक्वार्टर में विधायकों की बैठक शुरू हो गई, जैसे ही हालत बेहद कमजोर बताई गई जयललिता की, बैठकों का दौर चला, अस्पताल के बाहर समर्थकों का हुजूम दिखा, शोक का माहौल दिखा और रात सोमवार 11:30 बजे जयललिता ने अंतिम सांस ली। और इसी के साथ रुकेंगे बुलेटिन में एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद और भी अहम खबरें। साथ साथ देश भर में शोक का माहौल है क्योंकि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता सोमवार रात 11:30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। उनका निधन हो चुका है दिल का दौरा पड़ने के बाद। जयललिता के निधन का ऐलान होने से पहले ही AIADMK के विधायक पार्टी मुख्यालय पहुंचने लगे थे। जयललिता के निधन का ऐलान होने के बाद कार्यकारी मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इसके बाद सभी विधायक राजभवन पहुंचे और वहां कार्यकारी मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इसी दौरान वो भावुक भी नजर आए, उन्होंने अपनी जेब में जयललिता की तस्वीर भी रखी। इसके साथ ही 31 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है, 7 दिन का राजकीय शोक है और 3 दिन स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। 22 सितंबर को अस्पताल में भर्ती हुई जयललिता, उसके बाद कभी ठीक होने की खबर आई, जांच का असर होने की खबर आई, आईसीयू से बाहर निकाला गया, पूरी तरह से स्वस्थ बताई जाने लगी। लेकिन रविवार के दिन यानी 4 दिसंबर को उनकी हालत बिगड़ी, दिल का दौरा पड़ने के बाद आईसीयू में रही। सोमवार को उनकी हालत बेहद कमजोर रही जिसके बाद रात 11:30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। जयललिता तमिलनाडु की एक बड़ी नेता रही हैं, हर पार्टी में उनके सम्मान करने वाले लोग मौजूद रहे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को जयललिता ने समर्थन दिया था। राजीव गांधी की हत्या के बाद तमिलनाडु में हुए चुनाव में उनकी पार्टी ने कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा और सरकार बनाई। देश की दोनों बड़ी पार्टियों से जयललिता के खट्टे मीठे रिश्ते सामने आते रहे।